हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जी एस क्रक्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कृतज्ञ एग्री इंडिया हैकाथन के बारे में। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने लोकसभा में इसे इन्फॉर्म किया है अबाउट द एग्री इंडिया हैकाथन। ये जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR द्वारा स्टार्ट किया गया था कृतज्ञ, जो कि एक नेशनल लेवल का हैकाथन था और इसे अगस्त 2020 में ऑर्गेनाइज किया गया था इनोवेशन को एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में प्रमोट करने के लिए। अब इसका एडवांटेज ये है, इस एक कृतज्ञ एग्री इंडिया हैकाथन का एडवांटेज देखें तो स्टूडेंट्स और फैकल्टीज और जो इनोवेटर्स हैं उनको अपनी इनोवेशंस को दिखाने के लिए, अपने इनोवेटिव अप्रोचेज को, टेक्नोलॉजीज को एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो अपना शो केस कर सकते थे। जो एलाइड सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर के, उनमें भी इम्प्लीमेंट करने के लिए इस कृतज्ञ एग्रो इंडिया हैकाथन को ऑर्गेनाइज किया गया था। अब ICAR ने इसको कृषि विज्ञान केंद्र, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को भी इसमें एड्रेस किया था, इसमें बुलाया था और जो है फार्मिंग सेक्टर्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको फेस करने के लिए इस कृतज्ञ एग्री इंडिया हैकाथन को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये GS पेपर थर्ड के एग्रीकल्चर पार्ट से भी रिलेटेड ये पोर्शन है, प्लस GS प्रीलिम सेक्शन में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं और GS पेपर टू के पॉलिसीज और इंटरवेंशंस में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आज हमने इस वीडियो में देखा कृतज्ञ एग्री इंडिया हैकाथन के बारे में। अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।